यार आजकल के टाइम में ना हर कोई चाहता है कि भाई उसकी रनिंग कॉस्ट ना कम से कम हो सके, इसलिए लोग सीएनजी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना पसंद करते हैं। मगर सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ी का ना अपना ही अलग डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर जगह पे आपको सीएनजी के पंप या जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है हर जगह नहीं मिलते हैं, जिस वजह से आप हर जगह उसको लेके नहीं जा पाते हो। वहीं पर आती है जो तीसरी टाइप की गाड़ी है, वो है एक हाइब्रिड गाड़ी, जिसके अंदर आपको रनिंग कॉस्ट तो कम मिलती है प्लस इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। वैसे ही एक गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड। जो वेरिएंट आप देख रहे हो ना सामने, ये एक जी वेरिएंट है। इसके अंदर तीन वेरिएंट आते हैं हाइब्रिड में, एस, जी और वी। कलर की बात करूँ तो भाई एक थोड़ा मरूनिश कलर है जो आप देख रहे हो। इसके अंदर आपको 7 मोनोटोन कलर और 3 मिल जाते हैं इसके ड्यून टोन कलर। सबसे पहले सामने से बात करूँ तो भाई सामने सबसे पहले इसमें आपको टोयोटा का सिल्वर कलर का जो लोगो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्रोम के इंसर्ट्स हैं लेफ्ट में भी जो राइट में जा रहे हैं। और ये देखोगे ना थोड़ा पियानो ब्लैक में थोड़ा जो टेक्सचर है ना इसका, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ पीछे से ना तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर आपके मिल जाते हैं इसके DRL जो क्रोम की लाइन है ना वो इसमें अटैच हो रखी है। नीचे मिल जाते हैं इसमें इसको आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स क्रोम के जो सराउंडिंग है उसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। नीचे सिल्वर कलर का मिल जाएगा आपको इसका स्किड प्लेट। इस वाले वेरिएंट में या इस वाली गाड़ी में आपको फॉग लैम्प देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नीचे वाली जो ग्रिल है ना वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। कुछ ये ओपन है कुछ ये क्लोज है, जो लुक है ना इसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो भाई 1795 इसकी ओवरऑल विड्थ आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये है गाड़ी की राइट प्रोफाइल। राइट प्रोफाइल देखोगे तो सबसे पहले जो लेंथ है ना इसकी 4365 mm की आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाइट मिल जाएगी 1645 mm की। जो व्हील बेस है वो मिल जाता है 2600 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है। जो नई वाली नेक्सॉन आई है ना उसका भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करने वाली है ना वो है इसके सुंदर एलॉय। इसमें आपको ड्यूल टोन जो है आपको एलॉय देखने के लिए मिल जाएंगे। मशीन कट, आगे डिस्क, पीछे डिस्क, चारों इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। टायर की बात करो अपोलो के टायर है। टायर प्रोफाइल साइज आपको मिल जाता है 215/60R17 का। बॉडी क्लैडिंग देखोगे ना जो मैट फिनिश में जा रही है ये आगे से लेके पीछे तक कंटिन्यू होती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इसको स्पोर्टी लुक देती भी है। अगर मैं बात करूं डोर हैंडल की तो भाई डोर हैंडल पे आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पर जो दे रखा है। क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी आपको आगे से लेके पीछे तक जाती हुई। ORV में आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रॉनिकली है। प्लस इसके अंदर जो LED इंडिकेटर है ना वो भी पोजिशन दे रखा है। बी पिलर आपको मिल जाएगा इसमें मैट ब्लैक फिनिश में। जो सी वाला पिलर है ना, जैसे सी पैनल बोलूँ अगर मैं, ऊपर ना यहाँ पर आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक, जो देखने में ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैट में ना थोड़ा डल हो जाता है मगर पियानो ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगता है। ऊपर मिल जाएगा आपको इसका जो है रूफ रेल, रूफ रेल सिल्वर कलर की है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। प्लस इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई 45 लीटर का इससे मिल जाती है आपको टैंक कैपेसिटी। प्लस जो एवरेज है ना भाई CNG गाड़ी में भी आपको इतनी एवरेज नहीं मिलती जितनी इस हाइब्रिड गाड़ी में आपको मिलती है। 28 किलोमीटर पर लीटर की इसमें एवरेज आपको देखने के लिए मिलती है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी SUV-ish लुक वाली गाड़ी है और 28 की एवरेज CNG गाड़ी से भी ज़्यादा, भाई वाह भाई। यहाँ पर ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका स्पॉइलर और यहाँ मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना जो बॉडी कलर में है। पीछे देखोगे तो भाई पीछे इसमें आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर मिल जाएगा इसका रियर माउंट का जो स्टॉप लैंप है वो। नीचे देखोगे तो भाई यहाँ पर ना इसके क्रोम की जो लाइन है ना वो जाती हुई दिख जाती है। बीच में मिल जाएगा टोयोटा का लोगो, ये भी एक सिल्वरिश में टोयोटा का लोगो मगर ये चीज़ आपको क्रोम में देखने के लिए मिलती है। राइट हैंड साइड में नीचे मिल जाएगा जी हाइब्रिड की बैजिंग। ये जो लाइट्स है ना ये आपको LED बैक लाइट देखने के लिए मिलती है मगर नीचे मिल जाते हैं इसके हेलोजन सेटअप के इंडिकेटर की लाइट हो गई या बैक लाइट हो गई, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी दे रखा है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मिल जाता है इसका स्किड प्लेट जो सिल्वर कलर का है। अगर मैं बात करूँ जो पार्किंग सेंसर्स है ना पीछे वाले वो आपको 4 देखने के लिए इसके अंदर मिल जाते हैं। पीछे की जो बॉडी क्लैडिंग है वो भी ब्लैक कलर में आपको दे रखी है, बढ़िया है। अगर मैं साइलेंसर देखूं तो भाई साइलेंसर कहाँ है इसका, अच्छा पहले तो स्टेपनी आपको यहाँ पे पीछे दे रखी है और साइलेंसर मिल जाता है यहाँ पे। अब इसका बूट खोल के दिखाता हूँ कितना बूट है। बूट खोलने से पहले भाई यहाँ देख लो, यहाँ पर भी आपको एक कैमरा जो है ना वो देखने के लिए मिल जाता है रिवर्स के लिए। बूट देखोगे तो भाई जो नॉर्मल टोयोटा हाइराइडर आती है उसमें आपको थोड़ा बूट स्पेस एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है मगर इसके अंदर थोड़ा आपको बूट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है इसकी बैटरी, ये रही। पीछे थोड़ा बहुत स्पेस है यहाँ पे जिसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हो। प्लस ऊपर एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर आप जो है अपना सामान रख सकते हैं। बूट स्पेस की बात करो तो 265 लीटर के आसपास इसमें आपको मिल जाता है इसका बूट स्पेस। राइट में देखोगे तो यहाँ पर मिल जाता है इसमें आपको इसका एक लैम्प प्लस 12 वोल्ट का एक सॉकेट चार्जर दे रखा है। ये मिल जाएगी पार्सल ट्रे। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे है थोड़ा टचेस हार्ड वाले, यहाँ मिल जाएगा इसका हैंडल, इसको पकड़ के यहाँ से
बंद कर सकते हैं। डोर की बात करो तो भाई ड्यूल टोन मिल जाता है इसके आपको डोर ब्लैक में, और थोड़ा ब्राउनिश का जो टच है ना वो देखने के लिए मिल जाता है। जो ब्लैक वाला पार्ट है ये थोड़ा आपको हार्ड टच मिल जाएगा, मगर ये जो है ना प्रीमियम सॉफ्ट टच है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है होल्ड करने में भी आपको लगेगा। यहाँ मिल जाएगी सिल्वर की लाइन, क्रोम का हैंडल लॉक अनलॉक करने के लिए, पियानो के टचेस दे रखे हैं, पावर विंडो, और यहाँ पर मिल जाएगा स्पेस थोड़ा बहुत, मतलब जैसे अपना होल्ड करना है हैंड तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे मिल जाएगा 1 लीटर बॉटल का स्पेस, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान जो है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो, मगर ज़्यादा सामान नहीं आ पाएगा, ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है। मिल जाएगी स्पीकर की ग्रिल। चलते हैं सीट की तरफ। सीट की तरफ देखोगे तो भाई फैब्रिक अपॉस्ट्री दे रखी है इसके अंदर ड्यूल टोन में, थोड़ा यहाँ पर डायमंड के जो है डिज़ाइन बोल सकता हूँ वो दे रखे हैं। हेडरेस्ट 3 मिल जाते हैं इसके अंदर, जो मिडल हेडरेस्ट है वो थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू तो बाकी के जो 2 हेडरेस्ट हैं। सीट बेल्ट की बात करो तो भाई तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट डेडिकेटेड दे रखी है ताकि थोड़ी बहुत भी दिक्कत परेशानी ना हो। जो मिडल पैसेंजर है उसको सीट बेल्ट यहाँ मिल जाएगी। और आर्मरेस्ट देख लेते हैं एक बार भाई, इसमें ट्विन कप होल्डर के साथ मिल जाए इसका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट जो है वो नीचे टच नहीं हो रहा है, और यहाँ पर सी आइसोफिक्स है क्या एक बार देख लेते हैं। हाँ, आइसोफिक्स स्टाइल सीट मॉडल मिल जाते हैं इसके अंदर 60-40 में, जो आपकी इसकी जो रियर सीट है वो स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर मिल जाएगा इसका आपका हुक और हैंडल, यहाँ पर दे रखी है एक लाइट, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं बीच वाले सेक्शन की, तो भाई यहाँ पर मिल जाएंगे एसी के वेंट, यहाँ पर थोड़ी सिल्वर की जो टचेस है सराउंडिंग्स है वो दे रखी है। यहाँ पर मिल जाएगा इसका चार्जिंग, देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, टाइप ए और टाइप सी दोनों ही आपको मिल जाएंगे इसमें चार्जिंग। यहाँ पर स्पेस दे रखा है, अपना सामान जो है आप यहाँ पर रख सकते हो। हम की बात करो तो भाई हम तो इसके अंदर है 3 बंदे पीछे बैठे हुए, तो थोड़ा सा हम की वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है। स्पेस की बात करो तो भाई स्पेस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दे रखा है, मैंने पहले भी चेक करी थी। जो नी रूम है, लेग रूम है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। हेडरूम भी आपको काफी डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा स्लोप में है मगर फिर भी डिसेंट हेडरूम है। गाड़ी के अंदर जाने से पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ, तो भाई चाबी से कुछ आपको ऐसी देखने के लिए मिलने वाली है। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिल जाएगा टाटा का लोगो, दोनों ही चाबियाँ आपको ऐसी ही देखने के लिए मिलने वाली है। प्लस अगर मैं बात करूँ रिक्वेस्ट सेंसर की, तो भाई दोनों साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। दरवाजा खोलोगे तो भाई सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले सेम वही चीज़ देखने के लिए मिलती है, ड्यूल टोन इसका मिल जाएगा आपको डोर। यहाँ पर ऊपर थोड़ा आपको हार्ड है मगर यहाँ पर आपको ना सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ मिल जाएंगे फिर से सिल्वर की लाइनिंग, क्रोम हैंडल, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ORVM के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली वाले। यहाँ पर बात करूँ मैं अगर पावर विंडो की, तो भाई वन टच अप वन टच डाउन जो फीचर है ना वो आपको सिर्फ ड्राइवर वाली सीट के लिए मिलता है, बाकी सीट के लिए नहीं मिलता है। आगे मिल जाएगा अपना स्पीकर जो 1 लीटर की बॉटल के साथ साथ है, इसमें स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाली सीट में। बात करें सीट की तो भाई सीट इसमें आपको मिल जाती है मैनुअली एडजस्टेबल, सो आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। सीट की बात करें तो भाई कुशनिंग जो है ना सीट की ज़्यादा बढ़िया है, हेडरेस्ट भी इसके अंदर दे रखा है जिसको आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो अपनी सीट के हिसाब से या अपनी हाइट के हिसाब से। कंफर्टेबल सीट है, कुशनेबल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रखा है इसके अंदर। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर मिल जाएगा डेड पेडल, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ऊपर मिल जाएगा बोनट खोलने के लिए और फ्यूल लिड खोलने के लिए। यहाँ मिल जाएगा इसमें आपके चेंजेस, जो आपकी जो एम्बियंट लाइट है या उसके जो अंदर के मीटर की लाइट है उसको आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। HUD का बटन, हेडलाइट लेवलर, और ये है इसका मेन, क्योंकि जो नॉर्मल टोयोटा हाईलाइटर आती है ना उसमें यहाँ पर स्टार्ट हुआ बटन लिखा होता है, इसके अंदर ब्लू में दे रखा है ये, और ये पावर है क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड की जितनी भी गाड़ी आती है ज़्यादातर सब में ऐसा ही होता है। लेदर के इसमें टचेस देखने के लिए मिल जाते हैं जो देखने में सुंदर है। पियानो ब्लैक की मिल जाती है इसमें आपको उसकी सराउंडिंग्स, और ये थोड़ा सा आपको हार्ड टच देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ऑन करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें दबा दिया है इसका बटन, और यहाँ पे मीटर ऑन हो चुका है भाई। इसका मीटर मिल जाएगा अब इसको, 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो पावर, इको, चार्ज का इसमें दे रखा है। यहाँ पर जो पी दे रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे आप चेंज करोगे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव डालोगे तो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अरे वाह, गुड मॉर्निंग भी बोल रही है। ऊपर देखोगे तो भाई इसमें मिल जाता है आपको उसका डिजिटल स्पीडोमीटर। राइट हैंड साइड में जो है अब मिल जाते हैं इसके फ्यूल के बाद टेम्परेचर, और बीच में देखोगे ना तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है इसका टेम्परेचर। राइट हैंड साइड में ओडोमीटर भी दे रखा है। अगर हम बात करते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या क्या आती है भाई इसके अंदर, तो म्यूजिक की, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, टाइम वगैरह जो यहाँ से, मोशन फ्रंट, ये सब मिल जाता है इसके अंदर। और क्या आ जाएगा, अच्छा मैं कह रहा था ना 29.7 देखो दिखा रहा है इसकी, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है इसके अंदर, फ्यूल इकोनॉमी, हिस्ट्री मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पे अच्छा जो ऑटोमेटिक हाइब्रिड वेरिएंट है तो उसके अंदर यहाँ पे जाएगी पावर की, भाई आगे जा रही है, पीछे जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाती है। और क्या है अगर, अच्छा ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप भी यहाँ से मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाके अपनी ब्राइटनेस को, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, सेलेक्ट लैंग्वेज, ये सब आप चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं। डोर अनलॉक, पार्किंग सेंसर मोड,
सब कुछ यहाँ से दे रखा है, जिसको आप आराम से बहुत प्यार से चेंज कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। 7 इंच की डिस्प्ले है। बात करो स्टेयरिंग की, तो भाई स्टेयरिंग ना आपको लेदर वाला नहीं देखने के लिए मिलता, बेसिक सा स्टेयरिंग है। सिल्वर के टचेस मिल जाएंगे, क्रोम का यहाँ पे दे रखा है हैंडल, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाते हैं जो MID है ना उसको चेंज करने के लिए। प्लस यहाँ पे जो म्यूजिक कंट्रोल है ना वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉल एक्सेप्ट करनी है, डिक्लाइन करनी है, या फिर आपको इसमें जो वॉइस असिस्टेंट का फीचर है वो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में मिल जाते हैं ऐसे क्रूज कंट्रोल के बटन। एक बार इसका स्टेयरिंग को चेक कर लेते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, बहुत बढ़िया, यानी कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही है ये। यहाँ बात कर लेते हैं भाई इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो भाई इसके अंदर मिल जाता है 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम, जो बिल्कुल आपको टच पैनल है ना वो उसको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ से। इसमें अपने वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर है ना वो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पीकर की बात करो तो भाई स्पीकर इसमें 4 मिल जाते हैं बेसिक वाले, और 2 मिल जाएंगे इसके ट्विटर, यानी कि 6 स्पीकर का इसमें सिस्टम मिलता है जो काफी डिसेंट है। यहाँ मिल जाएगा हैजार्ड लाइट का बटन, मिल जाएंगे AC के वेंट्स, यहाँ पर मिल जाएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो बाकी गाड़ियों में भी आपने देखा होगा हाई राइडर के, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन यहाँ से आप कर सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे मिल जाएगा अपने USB का पोर्ट। क्या इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है? हाँ भाई इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाएगा। ये है इसका लीवर, यहाँ पे मिल जाएंगे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव के मोड, और इसमें क्या शिफ्ट लॉक का है भाई, ये देख रहे हो ना, ये एक बटन है शिफ्ट लॉक का, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिक गाड़ी तो आप इससे अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो और टोचन करने के काम आता है ये। यहाँ देखोगे तो भाई इसमें ना ये आपको सराउंडिंग्स जो है ना ये इसकी सिल्वर में दे रखी है। यहाँ पर मिल जाएगा इसका EV मोड, ड्राइव मोड, और ये कोई बटन नहीं है ऐसे ही है ये। यहाँ मिल जाएगा इसमें आपको पियानो के टचेस और क्रोम की टिप है, हैंडल मिल जाएगा, ट्विन कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट, हाँ आर्मरेस्ट स्लाइडेबल भी है, स्पेस भी जो है ना वो भी आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके इस एरिया में, तो हाँ ग्लव बॉक्स दे रखा है मगर ये कोल्ड वाला नहीं है। यहाँ मिल जाएंगे सॉफ्ट के टचेस, सिल्वर की लाइनिंग दे रखी है जो काफी ज्यादा प्रीमियम इसको बनाती भी है। IRVA मिल जाएगा इसके अंदर आपको एक ऑटोमेटिक वाला, और यहाँ पे मिल जाएंगे सनग्लास होल्डर, यहाँ पे मिल जाती है इसकी लाइट जिसको आप ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा इसका सनरूफ का बटन, जैसे आप सनरूफ को ओपन करोगे तो यहाँ से पैनोरामिक सनरूफ है ना वो इसमें देखने के लिए मिलती है, काफी बड़ी सनरूफ है। सनरूफ ओपन करने के बाद ना गाड़ी के अंदर लाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है। भाई सेफ्टी फीचर भी कंपनी ने इसके अंदर आपको काफी सारे दे रखे हैं, 6 एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, DVD, बहुत सारे फीचर्स जो है इसके अंदर दे रखे हैं सेफ्टी के लिए। तो भाई गाड़ी का हमने यहाँ पे बोनट खोल लिया है, और ऊपर देखो तो भाई इंसुलेशन के लिए यहाँ पे कपड़ा देखने के लिए मिल जाता है जो काफी बढ़िया भी है। यहाँ पर बात करो तो भाई 3 सिलेंडर का इंजन देखने के लिए मिलता है 1500 cc का। पावर की बात करो तो भाई 91 BHP की पावर 5500 RPM पे और 122 Nm का टॉर्क दे देता है ये 4400 RPM पे। अगर मैं बात करूँ मोटर की, जो मोटर लगे हुए ना इलेक्ट्रिक वाली, वो आपको दे देगी 79 BHP की पावर, और अगर बात करूँ न्यूटन मीटर टॉर्क की तो भाई 144 Nm का टॉर्क इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है जो देता है मोटर। प्राइसिंग की बात करो तो भाई टोयोटा हाईराइडर शुरू होती है 10,88,000 रुपए से और जाती है 20,00,000 रुपए एक शोरूम फरीदाबाद हरियाणा में। और पर्टिकुलर वेरिएंट जो आप देख रहे थे जी हाइब्रिड है, एक मिडिल वाला वेरिएंट है हाइब्रिड के अंदर, तो इसका एक शोरूम पड़ता है आपको 18,50,000 रुपए। भाई कंक्लूजन की बात करो तो भाई इस गाड़ी के अंदर ना आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। वारंटी भी इसमें आपको 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की मिलती है, जो मोटर लगी हुई है उसमें आपको मिल जाती है 8 साल की वारंटी। तो भाई प्रोडक्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा सही है। वेरिएंट की बात करो तो भाई जो जी वेरिएंट है ना, मुझे पर्सनली लगता है ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आप बताएं कि आपको ये वाला वेरिएंट कैसे लगता है, शोरूम की डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप शोरूम पर आए, विजिट करें और इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें खुद। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी मिलूंगा किसी नई गाड़ी नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।